इस नज़ारे की बात कर रहे थे हम, ये देखो कहाँ आ गए। नो टिकट जस्ट एंटर इन ट्रेन। तब इतने करीब लोग रहते हैं एकदम समुद्र के और रेलवे ट्रैक के स्ट्राइक है और जो लोको पायलट्स वगैरह उनकी सैलरी नहीं दे रहा। विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हवा इतनी जोरदार चल रही है ना यहाँ पर। यू ड्रिंक करेक्ट? यस। करीब 1500 पैसेंजर बह गए थे और मतलब उन सब की डेथ हो गई थी। वेलकम टू श्रीलंकन रेलवे। So, don't have to pay. No ticket. No ticket. Just enter in train. Yeah. And go. In any class, in first class. First class, second class, no problem. No problem. Strike. Today is strike. तो भाई अभी आए हैं दूसरी साइड कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन के और यहाँ अभी देख रहे हैं तो काउंटर्स वगैरह एकदम बंद है, कोई है ही नहीं इधर पे टिकट देने के लिए। थर्ड क्लास का यहाँ पर काउंटर है, यहाँ लिखा है थर्ड क्लास, कोई है ही नहीं है, सब गायब है यहाँ से, कैसे लें टिकट। तो अभी भाई आ गए हैं इस रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री के पास यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखो थर्ड क्लास का टिकट का जो काउंटर है ना यहाँ पर, ये तो ओपन है, लगे हुए लाइन में, देखते हैं यहाँ पर टिकट मिल पाता है कि नहीं। थर्ड क्लास गाले। तो अभी दोपहर का बज रहा है 2 और हम लोग पहुंच चुके हैं कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, जहां से आज अपनी ट्रेन गालू कुमारी एक्सप्रेस निकलेगी। और भाई अभी स्टार्टिंग से तो आपने देख ही लिया क्या क्या सीन हुआ, वहां गए तो वहां पर काउंटर्स वगैरह बनते, उसके बाद स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म की साइड आए थे सबसे पहले हम, ठीक है। तो वहां पर कुछ ऑटो वाले बोलने लगे कि यहां पर स्ट्राइक है तो काउंटर्स वगैरह बंद है, फर्स्ट क्लास का हमें टिकट नहीं मिला, सेकंड क्लास का भी हमें टिकट नहीं मिला, और उस साइड गए तो उस साइड वाले काउंटर भी एकदम बंद थे, फिर वापस इस साइड आए तो थर्ड क्लास का फाइनली टिकट ले लिया। अभी तक की ये स्टोरी थी, पता ही नहीं चल रहा था भाई क्या है क्या नहीं है, कोई कह रहा है कि स्ट्राइक है और जो लोको पायलट्स वगैरह उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, स्टेशन के स्टाफ की सैलरी नहीं मिल रही है, इस वजह से लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, काउंटर बंद कर रखे हैं, जाने क्या क्या चीज़ें भाई देखी। अभी स्टेशन आते इतनी भसड़ हो गई ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से टिकट लें क्या करें, फिर खुद से जब थोड़ा सा सर्च किया ना तब पता चला। बाकी जो ऑटो वाले थे वो हमको कह रहे थे, मतलब टुकटुक वाले, यहाँ पर ऑटो वाले टुकटुक कहा जाता है, तो वो ऑटो वाला हमको कहता है कि उधर स्टेशन से ले लेंगे, उस स्टेशन से ले लेंगे टिकट, उधर चलते हम, नहीं रहने दो भाई कहीं नहीं जाना हमें, वो इस चक्कर में था कि और ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो और ज़्यादा उसका बजट बनेगा। हमको तो यही लग रहा है क्योंकि जब इधर थर्ड क्लास का टिकट मिल रहा था तो वो बोल सकता था ना, जब उससे पूछ रहे थे कि यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, कह रहा नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये सिस्टम था। चलो अब बात करते हैं आज की जर्नी के बारे में। अब तो जो होना था हो चुका है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास नहीं मिला है, अब थर्ड क्लास में ही हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। श्रीलंकन रेलवेज की थर्ड क्लास की ये हमारी पहली जर्नी होने वाली है, अभी तक सेकंड क्लास में करा था लेकिन थर्ड क्लास में नहीं करा था, तो ये जर्नी होगी अपनी पूरी थर्ड क्लास में कोलंबो फोर्ट से गाले रेलवे स्टेशन तक। और ये जो रूट है ना ये श्रीलंकन रेलवेज में कहलाया जाता है कोस्टल लाइन, ये है कोस्टल लाइन क्योंकि समुद्र के किनारे होती हुई ये जर्नी होने वाली है, लैकडिव सी के किनारे, ठीक है। समुद्र होगा, बीच में बीच होगा और हम लोगों की रेलवे लाइन होगी और ये ट्रेन जर्नी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, ऐसा रूट बहुत ही कम देखने को मिलता है और फिलहाल आज हम लोग इस रूट पे ट्रैवल करने वाले हैं। और आपको पता है ये श्रीलंकन रेलवे इसका वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट है, 120 kmph की यहाँ पर मैक्स स्पीड है और ऑपरेशनल स्पीड अभी फिलहाल 100 किलोमीटर पर आवर्स की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। भाई अभी सीन ये है कि यहाँ पर खड़े हुए हैं ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और एक ये भाई है, भाई के अंकल ही है समझ लो, ठीक है। कम से कम 4 बार पूछ चुके हैं हमसे कि कहाँ जा रहे हो। यू ड्रिंक करेक्ट? यस आई नो भाई, दारू वारू पी हुई है, बढ़िया नशा चढ़ा हुआ है इनको। अपरारू मेंशन व्हाट इज दिस? यू गोइंग गाले? ओके भाई, इनको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इनने तो बस चढ़ा रखी है मस्त सुबह से क्या, अभी दोपहर हो रही है, दोपहर को चढ़ा के घूम रहे हैं, क्या है कि अब मौसम थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है लेकिन इनने अपना मौसम पहले ही बना लिया था। व्हाट यू ड्रिंक? इन्हें बनना भाई पता नहीं चल रहा, चलो अभी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, अभी 2:37 बज गया है, 2:37 हो गया लेकिन अपनी ट्रेन अभी तक तो नहीं आई, आ जाना चाहिए था अभी तक बट आई नहीं अभी तक। तो ये लो भाई, ये आ गई अपनी ट्रेन गालू कुमारी एक्सप्रेस, इसका थर्ड क्लास का लिया है टिकट, थर्ड क्लास में तो भीड़ चढ़ गई भाई साहब, ओहो अब तो मुश्किल लग रहा है सीट खुलना यहाँ पर। ओ भाई साहब पूरा फुल है अंदर, तो गड़बड़ हो गया सीन। तो भाई साहब आज फिर फंस गए यहाँ पर, थर्ड क्लास का टिकट मिला और भीड़ देख रहे हो, बस खड़े होने की मुश्किल से जगह मिली है, अब गेट पे, गेट के आसपास खड़ा होना पड़ेगा, गर्मी हो रही है जोरदार, ये लो ट्रेन भी निकल गई अपनी,
डिपार्चर हो गया यहाँ से, दिखाते हैं आपको। अपनी ट्रेन अब निकल चुकी है कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से, और आज जिस ट्रेन में अपन ट्रेवल कर रहे हैं ये है गालू कुमारी ट्रेन, ठीक है। 2:40 पे निकलती है कोलंबो फोर्ट से और 4:40 में पहुंचा देती है ये अपन को गाले रेलवे स्टेशन। मतलब 2 घंटे की मात्र ये जर्नी है, लेकिन 2 घंटे इस तरीके से करना होगा ट्रैवल। गर्मी अलग है और भीड़ तो उससे भी डबल, लेकिन आगे जो रूट आने वाला है ना वो सारी मेहनत का पैसा वसूल करा देगी भाई, ये समझ लो बस, पैसा वसूल होने वाला है एकदम, हमारा भी और आपका भी। अभी जो आगे हम लोगों को नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहो। ये देखो भाई, इस नज़ारे की बात कर रहे थे हम, ये देखो कहाँ आ गए एकदम समुद्र किनारे। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारा है यहाँ, तो भाई साहब इस नज़ारे के लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे थे क्योंकि ये है ही कुछ ऐसी जगह भाई, पूरा देखो समुद्र, समुद्र के बगल से चल रही है ट्रेन भाई साहब, विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हवा इतनी ज़ोरदार चल रही है ना यहाँ पर, बहुत ज़ोरदार, आपको आवाज़ तो समझ आ ही रही होगी माइक की, बहुत ज़ोरदार हवा है। लेकिन रूट भी क्या रूट है यार, अमेजिंग, वंस आ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है ये यार, ये करना बनता है। बढ़ते समय के साथ हम लोगों को भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर वो दुकान को तेज चलाने के लिए प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज करना हो या फिर टेक्नोलॉजी को अपने काम में ऐड करना हो, इसलिए हमने बदलते भारत के साथ चलने के लिए अपनाया है भारत का सबसे ट्रस्टेड सेफ पावरफुल पेमेंट ऐप पेटीएम। देश को डिजिटल पेमेंट सिखाने वाला पेटीएम QR से ट्रांजेक्शन होते हैं बिल्कुल फ्री, किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं, जिससे आप सभी कर सकें पेमेंट इजीली, फ्री एंड कन्वीनियंटली। चाहे आप पेटीएम UPI, पेटीएम वॉलेट या अदर किसी भी कंपनी के UPI से पेमेंट करो, पेटीएम QR पेमेंट्स एकदम फ्री है। और क्या आपको पता है पेटीएम के इस बिजनेस मॉडल को कॉपी करके मार्केट में काफी सारी कंपनीज अपना QR लाई है, पर वो सब UPI और वॉलेट पर चार्ज कर सकती है क्योंकि वो वैसे ही पैसे कमाती है। पेटीएम QR सेफ, इजी एंड सिक्योर। भारत का पेटीएम QR एकमात्र ऐसा QR है जिसपे सारे UPI ट्रांजेक्शन अनेबल होते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं लगता, इनफैक्ट एकदम फ्री है, इसीलिए काफी सारे मर्चेंट शॉपकीपर जो है पेटीएम QR पेमेंट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं पेटीएम ब्रांड पर। तो जब हो हर पेमेंट एकदम फ्री एंड सीमलेस, तो पूरा इंडिया कहेगा पेटीएम करो या खोलो। और यहाँ का ये रेलवे स्टेशन देखो यार, एकदम समुद्र किनारे रेलवे स्टेशन है यार, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा रूट, और वो रूट यहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा, क्या रूट है यार।
तो है ही उस साइड, और साथ में यहाँ पर बीच में लोगों के घर भी हैं, तो लोग रहते भी हैं। ट्रेन के ट्रैक्स समुद्र के दोनों के बीच में, क्या लोकेशन है यार अल्टीमेट। ये देखो लोगों के घर बने हुए हैं यहाँ पर। तो अभी तक का सफ़र आपने देखा भाई कितना ज़बरदस्त था, और अभी अपनी ट्रेन पहुंची है माउंट लवानिया रेलवे स्टेशन, यहां पर अपना पहला हॉल्ट है। और बाकी ये जो रूट है ना, ये जो बीचेस अभी आपने देखे, कोलंबो सिटी के वेस्ट कोस्ट एरिया में पड़ता है, वेस्ट कोस्ट एरिया है, वहां पर ये सारे बीचेस है। और ये जो लाइन है ये हम आपको बता चुके हैं, ये कोस्टल लाइन कहलाती है श्रीलंकन रेलवेज़ की। ये लो सिग्नल हो गया यहाँ से चलने का, करीब 2-3 मिनट यहाँ पर ट्रेन अपनी रुकी। और यार क्या व्यू है अभी तक जो देखने को मिला, और विंड भी इतनी तेज़ है ना, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पूरा ये माइक ईयरफोन सब वायर वायर उड़ा जा रहा है पूरा। तो ये देखो भाई साहब, इतने करीब लोग रहते हैं एकदम समुद्र के और रेलवे ट्रैक के, घर और घर के जस्ट पीछे एकदम समुद्र। तो भाई अपने लिए तो यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एकदम नॉर्मल है ये, तो मतलब डेली करते ही हैं इस तरीके से ट्रैवल इस रूट पे, लेकिन हम लोगों के लिए कितना स्पेशल है ये, बहुत ज़्यादा। बहुत ही तगड़ा यार, मतलब हम जितना इंजॉय कर रहे हैं उतना पूरी ट्रेन में कोई नहीं कर रहा होगी। सबके लिए भाई लोकल लोग हैं मतलब यहाँ के, तो उनको डेली ही ट्रैवल करना होता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र हो चाहे कुछ हो आसपास, लेकिन हम लोग स्पेशली आए हैं तो वर्थ है यार यहाँ आना। तो अभी ये पहुंच चुके हैं अपन लोग अपनी ट्रेन के सेकंड स्टॉप पे मोराटोवा रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे भी लगभग 2 ही मिनट का हॉल्ट होगा शायद। और बाकी एक हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें इस रूट की, तो आपको पता है 2004 में इंडियन ओशियन में सुनामी आने की वजह से एक ट्रेन थी जो ऐसे ही बगल से चल रही थी कोस्टल लाइन पे, और उसमें सुनामी आई, उस वजह से पूरी ट्रेन बह गई थी, इसमें करीब 1500 पैसेंजर बह गए थे, और मतलब उन सब की डेथ हो गई थी भाई। तो ये जो है ना, ये एक्सीडेंट जो 2004 का था, ये श्रीलंकन रेलवेज़ का सबसे बेकार सबसे वर्स्ट एक्सीडेंट था भाई, ऐसा कभी दोबारा कहीं ना हो, ये सीन है भाई। लेकिन खूबसूरती अल्टीमेट है यार, वर्ड्स कम पड़ रहे हैं कहने के लिए। आज हम लोग श्रीलंकन रेलवे के थर्ड क्लास में जर्नी कर रहे हैं, और थर्ड क्लास में ये हमारी पहली जर्नी है इस पूरे टूर की। तो चलो आपको इंटीरियर दिखा देते हैं कि कैसा है। तो ये देखो भाई, अभी भी समुद्र के किनारे ही हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ पेड़ वगैरह आ गए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और इंटीरियर देखें तो ये है भाई थर्ड क्लास का, यहाँ पर 2x3 की जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर लगेज स्पेस है यहाँ पर हैंडल से पकड़ने के लिए, जैसे कि अभी एक्स्ट्रा भीड़ है उसके लिए। और वहाँ पर देखो लिखा हुआ है वेलकम टू श्रीलंकन रेलवे, एक डिस्प्ले भी लगी हुई है, और बाकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे।
वैसे इस रूट पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड परमिसेबल है, लेकिन फिर भी अपनी ट्रेन 75 के अराउंड ही चल रही है, 70-75 किलोमीटर पर आवर यही स्पीड से चल रही है यहाँ पर। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कालूतरा साउथ रेलवे स्टेशन, ये रहा रेलवे स्टेशन और उधर है बीच, अभी भी एकदम बगल से ही चल रही है अपनी ट्रेन। और बाकी ये जो रूट है ना अपना कोलंबो से लेके गाले तक, इस रूट को ओपन किया गया था इन ईयर 1895। और बात करें पूरे डिस्टेंस की कितना लंबा है, तो 158 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस है कोलंबो फोर्ट से गाले रेलवे स्टेशन तक का। पहले तक हम लोगों की ट्रेन जो चल रही थी तो डबल लाइन सेक्शन था, अभी ये देखो बगल से लाइन गायब हो गई है, अभी जो है सिंगल लाइन ही चल रहा है। पिछला जो रेलवे स्टेशन निकला था ना वहाँ से उसके आगे से फिर जो है सिंगल लाइन ही रूट चल रहा है, अब डबल लाइन नहीं है यहाँ पर, इसलिए अब तो ट्रेन की क्रॉसिंग देखने को नहीं मिलेगी। और घर जो है ना यहाँ के जितने भी घर अब पड़ रहे हैं बहुत पास से क्रॉस हो रहे हैं, काफ़ी पास। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अलुदगामा रेलवे स्टेशन और हमको लग रहा है यहाँ पर किसी ट्रेन की शायद क्रॉसिंग होने वाली है, क्योंकि 2 मिनट से तो अपनी ट्रेन रुकी हुई है। और बाकी अब आपको इस ट्रेन का हम फेयर बता देते हैं जो कि हम लोगों ने पे किया है कोलंबो फोर्ट से गाले रेलवे स्टेशन तक के लिए। हो गया सिग्नल, लंकन रुपीज में बात करें तो लोगों पहले ट्रेन चल गई ब्रो, लंकन रुपीज में बात करें तो 260 रुपये हम लोगों ने पे किए हैं और इंडियन करेंसी में 67 मात्र 67 रुपये में। इतनी बेहतरीन ट्रेन राइड हम लोग कर रहे हैं, लो क्रॉसिंग नहीं थी, अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल गया है। ये लो भाई साहब, अब जोरदार बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, झरनी और खूबसूरत हो रही है भाई, देख रहा हूँ पहले समुद्र का पानी अब आसमान का पानी। तो अपने निर्धारित समय से करीब 23 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन गाले रेलवे स्टेशन, जो कि श्रीलंका के साउदर्न एरिया में पड़ता है। और अपनी ये जो ट्रेन है ना यहाँ से लोको रिवर्सल होगा इसका, मतलब लोकोमोटिव तो है नहीं, डीएमयू टाइप ट्रेन है, तो इस साइड से अपन लोग आए हैं और इसी साइड को ये ट्रेन अब वापस जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि गाले रेलवे स्टेशन टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, इस डायरेक्शन से ट्रेन आती है और इसी डायरेक्शन में वापस जाती है। आए तो ये लोग हैं भाई, अपने चाइना के लोग थे ये, चाइना के, तो ये लोगों से ही बातचीत हुई थी जब हम लोग कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन पे थे। और बाकी ये जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एकदम अद्भुत एक्सपीरियंस था, आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। और इस तरह की आपने कभी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रेन जर्नी करी है या देखी है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ पर मेंशन हो रही है HY Vlogs, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो सारे अपडेट्स, कुछ रील्स वहाँ पर हम सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं यहाँ पर वीडियो आने से पहले। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।